सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पबजी लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन से अच्छी खासी एक स्ट्रीमिंग बना सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूँगा कि आप प्रोफेशनली लाइक डायनामो, कैरीमिनाट इन लोगों की तरह एक स्ट्रीमिंग कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से। अगर गाइस स्ट्रीमिंग होती एकदम प्रोफेशनली तो क्या डायनामो ये लोग इतना पैसा खर्च करके ये एकदम अच्छी तरीके का पीसी वगैरह नहीं खरीदते, बल्कि मोबाइल से स्ट्रीमिंग करते। बाकी अब समझदार हो समझ जाओगे गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आईफोन है गाइस तो एक एडवांटेज होने वाला है और डिसएडवांटेज एंड्रॉयड वालों के लिए होने वाला है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। सो सबसे पहले गाइज़ आपको स्ट्रीम लैब्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसका आइकन देख लो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो सबसे पहले इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पे करना है या यूट्यूब पे करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो बेसिकली हमको यूट्यूब पे करना है। तो बीच वाला जो ऑप्शन है लॉग इन विद यूट्यूब, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर नॉर्मली क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी अब कौन सा डालना है आपको? ईमेल आईडी वो डालना है जिससे आपने यूट्यूब पर गेमिंग चैनल बना रखा है, जिस चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो उस चैनल का यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना होगा। तो फटाफट से यहाँ पे मैं भी डाल लेता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर नॉर्मली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा और यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी की पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे बेसिकली फिर से आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा नीचे की ओर, उस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। मुझे ये इंटरफेस आया है, आपको नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा होगा तो स्टेप आता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यस कर दूँगा। यस करने के बाद यहाँ पर नॉर्मली मुझे टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो है मेरा प्रोसेस हो जाएगा। आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपने किया होगा तो आपका आएगा। तो फाइनली ये स्क्रीन खुलेगा डायरेक्ट जब आप पासवर्ड डाल दोगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैमरा और स्क्रीन, दो ऑप्शन दिख रहे होंगे सामने आपको। तो बेसिकली कैमरा को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, स्क्रीन को भी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो स्क्रीन को जो मैं हूँ यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि स्क्रीन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मे बी मेरा शायद से स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ अब। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको छः ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। आपको जो भी सिलेक्ट करना है उस पर नॉर्मली क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मैं अलर्ट बॉक्स है, यहाँ पे द जार, ये बाकी चीज़ें जो है गाइस ये सब हमारे काम की नहीं है। दो चीज़ें हैं जो काम की है। सबसे पहला अलर्ट बॉक्स जो यहाँ पर पहले से यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, और यहाँ पर थर्ड वाला चैट बॉक्स, ये दोनों को आपको मार्क कर लेना है। इसका काम क्या है वीडियो के आगे बताता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर इनेबल कैमरा एंड माइक, तो इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मली अलाउ कर देना है इन दोनों ऑप्शंस को। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों ऑप्शन को अलाउ कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो बैक कैमरा ऑन हो चुका है। तो बेसिकली ये जो कैमरा है हमने सिलेक्ट किया था वीडियो के शुरुआत में, तो इसको क्या करना है फ्रंट करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट हो चुका है, यहाँ से आप इसको बैक कर सकते हो। तो इसको अब मैं आपको क्या करना है गाइस, ऊपर जो यहाँ पर दिख रहा है छोट थ्री डॉट, उस पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एडिटर का, एडिटर के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स और चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा। तो जो हमने वीडियो के शुरुआत में सिलेक्ट किया था दो चीज़, वो यहाँ पे वो लेयर आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आप उसको ना मतलब एडजस्ट कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो जहाँ पे आपको रखना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो आपको जहाँ कहीं भी रखना है चैट बॉक्स को रख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा गाइज, आपको ऊपर की ओर एक एरो दिख रहा है राइट साइड में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो गाइज, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे लेयर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे अलर्ट बॉक्स है, चैट बॉक्स है और कैमरा है। यहाँ से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा कैमरा जो पूरे स्क्रीन पर है, तो उसको अभी एडजस्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, उसको ट्रैक करके ऊपर लेके जाना होगा। सबसे ऊपर लेके जाएंगे हम उसको, और वहाँ लेके जाने के बाद आराम से हम उसको क्या करेंगे, छोटा करके कोने में लगा देंगे। जैसे कि आप देखते होंगे जो स्ट्रीमर्स होते हैं डायनामो या फिर मॉर्टल, साइड में एक वेबकैम लगा के रखते हैं जहाँ पे उनका स्ट्रीम का जो उनका फेस रिकॉर्ड होता है वहाँ पे स्ट्रीम के अंदर। तो बेसिकली यहाँ कोने में यहाँ पे मैंने लगा दिया, और जो राइट का बटन दिख रहा है उसको मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए आ चुका है वो आपका फ़ोटो,
और यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ से आप उसको फ्रंट एंड बैक कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि भाई आप लोग ये जो कैमरा है इसको ऐड मत करो, क्योंकि फ्रंट कैमरे के ऊपर हमेशा उंगली होती है जब आप पबजी खेलते हो। तो बेसिकली यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर से इस 3 डॉट पे चले जाऊँगा क्लिक करके कैमरे के लेयर पे, और यहाँ से मैं क्या करूँगा इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब डिलीट कैसे करना है, तो आपको कैमरे पे सिलेक्ट करना है, कैमरे के ऊपर जाके क्लिक करना है, सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे जो 3 डॉट है क्लिक करो, यहाँ पे डस्टबिन का ऑप्शन है, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, जिस भी किसी को डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए इस तरीके से हिल रहा है, अगर आप चाहे तो इसको लॉक भी कर सकते हो, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके। तो इसको मैं लॉक करके दिखा देता हूँ आपको। लॉक करने के बाद गाइस मैं फिर से इस एरो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो प्लस का बटन दिख रहा होगा गाइस इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड विजिट्स का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आप लोगों को भी बहुत सारे, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पे स्ट्रीम लैब्स विजिट्स है और कस्टम URL है। तो स्ट्रीम लैब्स विजिट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे विजिट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि सुपर चैट वाला जो हमने लगाया था उसी टाइप के ये विजिट्स है। तो आपको जो कोई भी लगाना है यहाँ से ले सकते हो। फिलहाल तो यहाँ से कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मेन मुद्दा है कि भाई स्ट्रीम हमको कैसे करना है, ये इन सब की हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं नॉर्मली एक ऑप्शन के लिए आपको दिखा देता हूँ किसी भी, जैसे कि मैंने डोनेशन कोल पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर देता हूँ मैं 3 डॉट पे क्लिक करके। फिर से एरो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, प्लस पे जाता हूँ, और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट का, तो बेसिकली ऐड टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्ट्रीम लैब्स का है, और यहाँ पे स्ट्रीम लैब्स के ऑप्शन में मैं पहले क्लिक कर देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है गाइस, आपको जो भी सिलेक्ट करना कर सकते हो। मैं रिकमेंडेशन करूँगा इन सबको तो अभी सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं, फिर से मैं चले जाता हूँ ऐड टेक्स्ट में, फिर वहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन था सेकंड वाले पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आप अपना मनपसंद टेक्स्ट लिख सकते हो, कुछ भी, कोई मैसेज देना हो आपके सब्सक्राइबर को तो लिख सकते हो। मैंने XYZ लिख दिया, और यहाँ से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो कहीं पर भी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे इसे मैं साइड में लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिलहाल तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा इसको मैं डिलीट कर दूँगा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर से इस एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस के ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। अब 3rd ऑप्शन पे हम चले जाते हैं, ऐड इमेज। अब ये ऐड इमेज क्या होता है आपको पता होगा, डायनामो जब स्ट्रीमिंग करता है तो बेसिकली वहाँ पे देखते होंगे एक फ़ोटो नीचे की ओर लगा होता है, इस तरीके का आप लगा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे अगर नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर, स्ट्रीम लैब्स लाइब्रेरी और डिवाइस। तो स्ट्रीम लैब्स लाइब्रेरी में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको पहले से ही फ्री में मिल जाएंगे आपको बहुत सारे ओवरलेयर। तो आपको जो भी ओवरलेयर चाहिए वो लगा सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से एक ओवरलेयर क्लिक कर लेता हूँ और आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने सिलेक्ट किया, और इसका नाम क्या है मालूम, इमेज है गाइस। देख सबसे ऊपर देख सकते हो इसका नाम इमेज है। तो बेसिकली इमेज को इस तरीके से आप ट्रैक करके पूरा बड़ा कर सकते हो, आपके स्ट्रीम में इस तरीके से दिखेगा वो। तो मैंने कस्टम खुद का बना रखा है गाइस, ये जो ओवरलेयर इसको बोलते हैं, मैंने पहले ही बना रखा है। तो मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और उसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से इमेज। ये देखिए इमेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे डस्टबिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया डिलीट। और यहाँ से मैं फिर से चले जाऊँगा प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे इस बार हम जाएंगे डिवाइस वाले ऑप्शन के अंदर। डिवाइस में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपका कैमरा जो भी आपके गैलरी होगा उसका फ़ोटो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से मैंने पहले बोला कि मैंने कस्टम वाला बना रखा है, तो मैंने क्लिक किया इमेज, वो आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसको ट्रैक करके बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से ट्रैक करके बड़ा कर देता हूँ। तो फाइनली ये हो चुका है। आपको फिर से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर से आपको प्लस का बटन दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना। अब मिलता है ऐड कैमरा, ऐड कैमरे का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐड कैमरे पे क्लिक करने से कैमरा ऐड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पूरे स्क्रीन पे वो कैमरा आ चुका है, देख सकते हो फिर से। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर लूँगा, आपको तो मैंने बता ही दिया किस तरीके इसको एडजस्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, फिर से एरो के ऑप्शन पे क्लिक करके प्लस के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं चले जाता हूँ लास्ट, सबसे मेन गाज यही है, ऐड स्क्रीन। ठीक है, वीडियो की शुरुआत में आपने देखा होगा ऐड स्क्रीन, तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो इसको अभी आप सिलेक्ट कर लो। ऐड स्क्रीन पे हमको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये सबसे ऊपर रहेगा। तो ठीक है, इसको सबसे ऊपर ही रखना है, जो भी चीज़ को मतलब ट्रैक करना होता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं पहले। तो यहाँ से मैं ट्रैक करके इसको पूरा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को,
कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से, अब अच्छे से ट्रैक कर लो आपके अपने हिसाब से, जितना ट्रैक करोगे उतना ही स्ट्रीम लैब जब स्ट्रीम करोगे तो दिखेगा। इसको ट्रैक करके अब नीचे लेके जाना है। अब नीचे कैसे लेके जाना, जो चार बटन दिख रहा होगा लाइन गाइस साइड की में, उस चार लाइन के ऊपर आप क्लिक करके इसको ट्रैक करोगे तो ये ट्रैक होएगा, नहीं तो नहीं होता। वरना अगर आप ऐसे नॉर्मल करोगे देखो नहीं हो रहा, उस चार लाइन के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद ही वो ट्रैक होता है इस तरीके से। तो उसको सबसे नीचे रख देना गाइस, क्योंकि उस स्क्रीन को सबसे नीचे रखना है आपको, ये हमेशा याद रखना है गाइस। तो इसको मैंने सबसे नीचे लगा दिया है, तो इस तरीके से हमारा पूरा काम हो चुका है, स्ट्रीम लैब्स के अंदर का हमारा पूरा काम हो चुका है। तो बेसिकली राइट कर देता हूँ उस कॉर्नर पे जो बटन है उस पे, ये हमारा फाइनली जो है ये हमारा खुल के आ चुका है। सामने का इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा। अब आपको क्या करना है गाइस, जो ये जो थ्री डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एडिटर का तो काम हो चुका है। अब एडिटर का काम होने के बाद हमको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है अपना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन एक दिख रहा होगा आप लोगों को, ड्रॉ ऑन टॉप, ठीक है। ड्रॉ ऑन टॉप का ये जो ऑप्शन है इसको इनेबल करना होगा हमको। को इनेबल करने के लिए नॉर्मल इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आपके खुल के इस तरीके से शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम लैब ढूंढना होगा। तो यहाँ पे फाइनली मुझको मिल चुका है स्ट्रीम लैब्स, इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करना ही होगा गाइस, नहीं तो आपकी स्ट्रीम नहीं चलेगा। तो इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं थोड़ा नीचे। नीचे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर क्या होता है ना गाइस, यहाँ से आउटपुट आप रेजोल्यूशन जो होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 1080p 720, मतलब मेरे में हाई रेजोल्यूशन सिलेक्ट हो सकता है फुल HD 1080p, तो मैं 1080p कर लेता हूँ यहाँ से। तो नॉर्मली क्लिक करना, उसके नीचे आपको मिल जाता है गाइस ये जो फ्रेम रेट होता है वो एक्सपेक्टेड फ्रेम रेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, 30 MB 30 और 60 FPPS जो भी होता है गाइस इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट के कि उसको 60 पे रखो गाइस, और यहाँ पे बाकी चीज़ जैसे वैसे ही रहने दो, कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको जो सेकेंड ऑप्शन मिलेगा गाइस, इसके अंदर ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। उस ऑडियो के ऑप्शन पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चार पांच ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो ये थर्ड ऑप्शन है इसको डिसेबल कर दो, इसका कोई मतलब नहीं ऑन करके। अगर आप ब्लूटूथ से स्ट्रीमिंग करते हो, मतलब ब्लूटूथ वगैरह लगा के रखा है, तो उसको ऑन करो वरना मत। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसको सबसे ऊपर वाले पे सिलेक्ट कर दो, बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। और बाकी जो चीज़ है इसके अंदर उसको कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको ये जो चीज़ है सबको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस आपको। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो सबसे नीचे देख सकते हो, लॉग आउट करना है तो लॉग आउट भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मेन चीज़ अब जो है गाइस, यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वाटर मार्क प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का वाटर मार्क प्लेसमेंट स्ट्रीम लैब्स का। जब आप स्ट्रीमिंग करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वाटर मार्क आएगा स्ट्रीम लैब्स का, क्योंकि गाइज ये फ्री में स्ट्रीमिंग करने दे रहा है, तो उसके प्रमोशन के लिए वहाँ पे स्ट्रीम लैब्स लिख के आएगा, ठीक है गाइज कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा अब हो चुका है पूरा काम स्ट्रीम लैब्स के अंदर का। तो अब आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे youtube.com सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्री डॉट दिख रहा होगा कोने पे, उस पर क्लिक करना है। इसको डेस्कटॉप साइड में ओपन करना होगा, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जूम करना है, आपका जो चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यूट्यूब स्टूडियो, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी फिर से आपको जूम करना है, और यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है लाइव स्ट्रीम का, लाइव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। जूम करके दिखा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे गाइस तो यूट्यूब खुलेगा। यूट्यूब खुलने के बाद ऑटोमेटिक फिर से आपका क्रोम ब्राउज़र ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से ओपन होता है। और यहाँ पे जो है गाइस मेन काम आपका यहाँ पे, यहाँ से आप थंबनेल चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट प्राइवेसी चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें मेन जो है गाइस यहीं से आपको करना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थंबनेल चेंज करना सिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज थंबनेल, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये जो चार ऑप्शन खुल जाएंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फाइल्स के ऑप्शन पे। सो फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अगर थंबनेल बना रखा है तो यहाँ से आप अपना थंबनेल चॉइस कर लो। तो बेसिकली मैंने बना रखा है तो मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे लोड होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर की ओर लिख के आएगा अपलोडिंग थंबनेल,
और यहाँ पे देख लो थंबनेल अपडेटेड लिख के आ चुका है। यहाँ पे कोई सेव का ऑप्शन नहीं होता गाइस, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। सो अब जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है वो है टाइटल का। सो टाइटल तो मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, और सेकंड ऑप्शन जो मिल जाता है वो डिस्क्रिप्शन का, जो भी गेमिंग के रिलेटेड जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन मिल जाता है कैटेगरी का, कैटेगरी पे आपको जो भी मतलब गेमिंग करना है तो गेमिंग कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हो। स्पोर्ट्स के बारे में आप कुछ बता रहे हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है गाइस। इसके बाद आपको जो फोर्थ ऑप्शन नीचे की ओर मिलता है वो मतलब यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी गेमिंग करना चाहते हो, जैसे कि पबजी मोबाइल खेल रहे हो तो पबजी मोबाइल, पबजी लाइट तो पबजी लाइट। और यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन मिल जाता है आपको प्राइवेसी, प्राइवेसी के अंदर पब्लिक, अनलिस्ट, प्राइवेट, तो आपको यहाँ पे पब्लिक रखना है गाइस। यहाँ पे तो सबसे नीचे दिख रहा होगा गाइस ये जो की है गाइस, आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर आपने बता दिया तो कोई भी बंदा इस की के थ्रू लाइव स्ट्रीम कर सकता है। तो ये बस इतना ही था इसके अंदर, और थोड़े बहुत इस इन्फॉर्मेशन में आपको सेकेंड ऑप्शन में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस आप लोगों को, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ें जैसे हैं वैसे ही रहने दो, किसी भी चीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन है, अगर आप अपना कोई चैनल प्रमोशन कराना चाहते हो खुद के चैनल पर तो वो सब कर सकते हो। फिलहाल तो हमारा ही खुद का चैनल छोटा है तो हम क्या प्रमोशन करेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। बेसिकली यहाँ से सब कुछ होने के बाद इसको बैकग्राउंड से हटा दो और अपना स्ट्रीम लैब्स ओपन कर लो। अब आपका पूरा काम हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, सीधा बैकग्राउंड के अंदर जाना है, इसको होम करके पबजी ऑन कर लो सबसे पहले। तो सो यहाँ पे जो है हमारा पबजी ओपन होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पबजी बहुत ही बड़ा गेम है गाइस, इसके लिए थोड़ा तो टाइम लगता है इसको ऑन होने में। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। सबसे पहले आप अपना गेम ऑन कर लिया करो बैकग्राउंड के अंदर। अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में जो हमारा स्ट्रीम लैब्स चालू है उसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, स्ट्रीम लैब्स को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करना है गाइस, यहाँ पे जो बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसके ऊपर आपको एक बार टैप करना होगा। अब जैसे टैप करोगे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना गाइस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे लिखा होगा नीचे की ओर स्ट्रीम टू मेन चैनल, ठीक है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था तो स्ट्रीम चालू नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीमिंग चालू हो चुका है। सो गाइज ये जो देख रहे हो लाइव स्ट्रीम है, मैं जो लाइव स्ट्रीम किया था अपने फ़ोन से, तो ये जो है लाइव स्ट्रीम इस तरीके का दिखता है। तो मैं वीडियो के शुरुआत में जो गाइज आपको बताया था एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ आईफोन एंड्रॉयड का। तो गाइज अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपका इंटरनल ऑडियो नहीं आएगा गेम में, अगर आप एयरफोन यूज़ करोगे तो। अगर आपके पास आईफोन है तो आप बिंदास एयरफोन यूज़ कर सकते हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कोई भी एयरफोन नहीं लगा रखा है, इसलिए इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब बात मैं ये बता दूँ कि अगर समझो अब ये स्ट्रीमिंग तो चालू हो चुका है, अब इसको कैसे बंद कैसे करना है। तो बेसिकली बंद करने के लिए क्या करना होगा गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ से गेम में से एग्ज़िट हो जाता हूँ। यहाँ से एग्ज़िट का बटन मेरे को मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ गेम में से सबसे पहले। तो आपको गेम बंद करना है, ठीक है। आपने जो भी इंट्रो वगैरह देना है, आउट्रो, वो सब दे दीजिए। और गेम बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, सो आपको क्या करना होगा, सीधा आपको चले जाना है स्ट्रीम लैब्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रीम लैब्स आपके बैकग्राउंड में रन हो रहा है पहले से ही, तो यहाँ पे आपको चले जाना है स्ट्रीम लैब्स के अंदर। और यहाँ पे जो बटन है वो दिख नहीं रहा है, तो मैं अपने फ़ोन के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो ये बटन है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एंड पे क्लिक करना है और आपका स्ट्रीम बंद हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो चुका गाइस, सो आपको सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी। सो आई होप आप समझ गए होंगे, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है कमेंट करके मुझको बता दो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में पबजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और ये वीडियो के एंड में मैं जो लाइव स्ट्रीम किया था गाइस वो ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके का ऑडियो रिकॉर्ड होता है। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।